आजादी बहुत करीब आ रही है, आजादी का दिन बहुत करीब आ रहा है और आजादी का महीना है। और मुझे लगता है इस चीज को सेलिब्रेट करना पूरे जोशों खरोश से बहुत जरूरी है। और हम सब पे वो आता है कि एक वो पीस का मैसेज जो है ना, एक अमन का मैसेज मुझे लगता है हर इंसान दे सकता है, वो बड़ा जरूरी है। और जहाँ हमने बात की आजादी की, वहीं पे मैं बताती चलूं मुल्क भर में जो है लाहौर समेत जो है जश्न आजादी 76वीं जो कि 74वीं जश्न आजादी है उसको मनाने की तैयारियां जोशों खरोश से जारी हैं। और यहीं पे हम जब बात करते हैं तो लाहौर की गली मोहल्ले बाजारों में हर जगह जो है पाकिस्तानी परचम लहराया जा रहा है। और इसी हवाले से हफ्जा अली जो है वो रिपोर्ट कर रही है, वो बता रही है कि किस तरीके से शहरियों की जो है तैयारियां कहते हैं ना फुल रूट पे हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि किस तरह से लाहौरी इसकी तैयारी कर रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं। घर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां मिली जोश जज्बे से जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के उर्दू बाज़ार में और यहाँ पर हर तरफ झंडियों की बहार उतर आई है। इसके साथ ही साथ स्टॉल्स पर नित नए अंदाज में तैयार करदा बैजेस, बैंड्स, हैट्स और चूड़ियाँ जो हैं वो बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हैं। सर बताइएगा कि आप जश्न आज़ादी के हवाले से अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं तो क्या लेने के लिए आए हैं? इसके लिए 14 अगस्त की खुशी आती है, इसलिए बच्चों के लिए आए हैं, बच्चों की खुशी पूरी करते हैं। इसके अलावा जो खवातीन हैं उनकी तवज्जो का मरकज कौमी तर्ज के परचम पर बने लिबास दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही साथ गली मोहल्लों, शहराहों और सड़कों को भी नहायत खूबसूरती के साथ सजाने का सिलसिला जारी है। हम झंडियाँ लेने आए हैं, हम साइकिल पर झंडियाँ लगानी है, हम घर ने सजाना, हम यहाँ पर लेने आए, खूब मजाक लेने आए, झंडियाँ ली हैं। और मुल्क की आज़ादी एक बार ही आती है साल में और मुहर्रम का एहतराम करने के लिए हम बाजे नहीं बजाते हैं। मैं यहाँ पर गजरे लेने आई हूँ और जो कि मैंने लिए भी हैं क्योंकि हमारा इवेंट है इंडिपेंडेंट डे 14 अगस्त, तो इसको अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि मेरी एक छोटी सी बुटीक है, होम बुटीक, तो उसके लिए डिफरेंट आइटम मैं ले रही हूँ, जिसमें बच्चों की बैंगल्स हैं, हेट है, हेयर कैचर हैं, तो ये मैं वैसे भी बच्चों को भी दे देती हूँ। प्लस इसके अलावा कोई ऐसी जगह होती है जैसे कोई मदरसा हो गया जहाँ पर लोग इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं और वो बाहर नहीं निकल सकते, तो इस इवेंट को जो है मैं वहाँ जाके उनके साथ सेलिब्रेट करती हूँ। 14 अगस्त का सामान लेने आए थे बच्चों के लिए इनके ली हैं, झंडियाँ ली हैं हमने और बहुत जोश व जज्बे से मनाएंगे इंशाल्लाह। आज़ादी मनाने के लिए बच्चों, बड़ों और ख़वातीन के चेहरों पर नुमाया खुशी इस बात का सबूत है कि हालात चाहे कैसे भी हों पाकिस्तानी कौम की वतन से मोहब्बत हमेशा कायम और दायम रहेगी। क्या बात है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप अपने मुल्क को साफ सुथरा ज़रूर रखें, जश्न आज़ादी मनाना तो ऑब्वियसली हर एक का हक है और हम सब इसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अपने मुल्क और कौम का ख्याल रखना और इसको साफ़ सुथरा रखना सबसे इम्पोर्टेंट है।